बस्ती में उनके बच्चे कुपोषण के शिकार ना बने, इसके लिए एक युवक जोखू ने 2 सालों से लंगर चला रहे हैं। यह एक दिन का नहीं, रोज का नियम बन गया है। बच्चों को भी इसका इंतजार रहता है। रविवार को बच्चों की फरमाइश पर खाना बनता है। दरअसल बचपन से ही लोगों की गरीबी और भूख से परिचित जोकू सोनकर का मलिन बस्ती में जाना दिनचर्या बन गया है। झोपड़ियों में रहने वाले श्रमिकों के माँ बाप रोजी रोटी की तलाश में चले जाते हैं, तब वही छोटे छोटे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं। उस दौरान समय से भोजन ना मिलने पर कुपोषण के शिकार ना बन पाए, इसके लिए भोजन बांटने का काम किया जा रहा है। खाना देखते ही लोग टूट पड़ते हैं। दो साल से जोखू हम लोग का खाना बांटता है। 70-80 लोग का खाना डेली बांटने आता है। 2 साल से खिला रहा है, सबको भोजन दे रहा है, लड़कन बच्चन को, बड़ा सियान को, सबको भी दे रहा है। और जो दिन संडे होता है तो फरमाइश कर देता है कि हमको परिंद चाहिए, पूड़ी चाहिए, सब्जी चाहिए, चावल भी चाहिए, ये सब मिला के खिला देता है। कौन मांगता है संडे को? लड़कन सब, लड़कन बच्चन कहता है कि हमको ये चाहिए, तो बना के ले आता है, खिलाता है सब हम लोग को भी। मैं बहुत भूख, मतलब बचपन में मैं बहुत नज़दीक से भूख और प्यास को समझा हूँ। भूख और प्यास क्या होता है, मेरे मन में बचपन से ही ऐसा लग रहा था कि मैं जब कुछ बनूंगा या मैं हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो मैं भूखे बच्चों को भोजन वितरण करूँगा, खिलाऊँगा। आज मेरे बड़े बेटे बेटे नायब तहसीलदार आजमगढ़ सदर में हैं, उनसे छोटा बेटा कानपुर में हाईलाइट में डॉक्टर है, तीसरा बेटा मेरा ग्रेजुएशन कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर